एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक साधु रहता था और उसको प्रभु राम के नाम की धुन ऐसी लग गई कि वो 24 घंटे ढोलकी बजाता रहता और राम नाम की धुन है जपे करता। उसके पड़ोस के अंदर एक व्यक्ति रहता था, वो अपने शांति के अंदर उसकी ढोलक की आवाज और राम नाम की धुन को व्यवधान समझता था। आखिर उससे नहीं रहा गया और एक दिन वो साधु के पास में चला गया और साधु से जाकर के उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे इस ढोलक की आवाज से काफी परेशान हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे कामकाज करने होते हैं और तुम पूरे दिन राम राम जपते रहते हो, इससे तुम्हें मिलता ही क्या है। साधु ने कहा, कि राम नाम का आनंद जिसको मिल जाता है, तुम भी आ जाओ मेरे साथ में और राम नाम का भजन शुरू करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि राम के नाम के अंदर कितनी शक्ति है। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम्हारे साथ में राम नाम जपने से क्या मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, क्या मेरा परिवार चल जाएगा, क्या मुझे भोजन मिल जाएगा। साधु ने कहा, ये तो सब अपनी सोच है, सबका पेट भरने वाला तो वही प्रभु राम है। उसकी बात उसके समझ में नहीं आई, उसने साधु को सबक सिखाने के लिए कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ में राम नाम का जाप एक दिन के लिए कर लेता हूँ, क्या मेरे को तुम्हारे राम जी भोजन दे सकते हैं। साधु ने कहा, मैं तो निस्वार्थ प्रभु राम की सेवा कर रहा हूँ, उसका नाम जप रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम उसका भोजन करोगे राम जी तुम्हारी जरूर सुनेंगे। और साधु की ढोलक को बंद करवाने के उद्देश्य से उस व्यक्ति ने साधु के साथ में बैठ कर के पूरी रात जो है राम नाम की धुन के अंदर उसके साथ में भाग ले लिया और दूसरे दिन उसने निश्चय कर लिया कि आज वो पूरे दिन एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करेगा और साधु के साथ में शर्त लगा दी कि अगर उसको पूरे दिन में भोजन नहीं मिलता है तो साधु ढोलक बजाना बंद कर देगा। साधु ने भी ये बात स्वीकार कर ली। अब वो तय करके कि आज घर पे नहीं जाएगा, अगर घर चला गया तो घर वाले उसको भोजन का आग्रह करेंगे, उसको भोजन करना पड़ेगा। ये सोच करके वो टहलता टहलता गांव के बाहर थोड़ा सा दूर पास के ही जंगल के अंदर चला गया। बोले जैसे तैसे आज का दिन यहाँ पर काट लेते हैं, एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। थोड़ी देर के अंदर वहां पर एक बंजारों का टोला आता है, उस पेड़ की छाया को देख करके उसके नीचे रुकता है, वो वहां पर भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं। इतने में उन बंजारों को समाचार मिलता है कि डाकू आ रहे हैं। अब डाकुओं का समाचार सुन करके वो बंजारे बना हुआ भोजन वहीं पर छोड़ करके भाग गए। डाकू जब वहां पर पहुंचते हैं तो सारा बना बनाया भोजन देख करके पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में शंका पैदा हो गई कि शायद उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी ने इस भोजन के अंदर जहर मिला करके इस प्रकार से तैयार करके छोड़ा है। उसी समय में उनकी नजर जो है पेड़ पर बैठे हुए उस व्यक्ति पर पड़ती है। डाकुओं ने उसको नीचे उतरने का आदेश दिया। वो नीचे आया तो उसको कहा कि ये सारा तेरा करा कराया है और ये भोजन तूने ही बनाया है। उसने सारी बात समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए, बोले तेरे को ही पहले भोजन करना पड़ेगा। उसने लाख मना किया और वो जितना मना करता गया डाकुओं का संदेह और गहरा होता गया और अंततया डाकुओं के द्वारा दिए गए दबाव के परिणाम स्वरूप वो भोजन करने के लिए बैठ गया। लेकिन अब जब वो भोजन कर रहा था उसका एक एक कौर जब उसके मुंह में जा रहा था, एक तरफ उसकी आंखों से प्रभु राम की भक्ति की अश्रु की धाराएं बह रही थी, उस साधु के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था और वहां से भोजन करने के बाद में वो साधु के चरणों में आकर के गिर गया कि हे संत महात्मा, आपकी बात 16 आना सच है, प्रभु की भक्ति के सिवाय हमारा पालन करने वाला कोई नहीं है, आज से मैं भी आपके साथ में आपकी मंडली का आपका सेवक बन करके और प्रभु राम का वचन करना चाहता हूँ। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय।